नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान का खसूसी प्रोग्राम, जी हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं आपके अपने ज़रूरी टीवी पे रमज़ान का खसूसी प्रोग्राम। ये भी क्योंकि जब बात आती है हैदराबाद के खाने पीने के मामलों की, तो पहली चीज़ आती है बिरयानी, फिर आती है हलीम, फिर अब एक चीज़ आती है रमज़ान में कौन बड़े, दही बड़े बोलते हैं यहाँ पे लोग। लेकिन आजकल हलीम का एक ऐसा ट्रेंड हो गया है, हलीम आपको हर जगह दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मुकामात भी है, ऐसे ख़ास मुकामात भी है जहाँ की हलीम वर्ल्ड फेमस है, दुनिया भर से लोग आते हैं और इस हलीम का लुत्फ़ उठाते हैं। तो आज आप सभी को हलीम के बारे में कुछ मालूम हासिल कराएंगे और यहाँ की हलीम इतनी मशहूर आखिर है तो है क्यों, तो फिर चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली रजा जोकर, द प्रोपराइटर ऑफ केप 555 मासपटंग एक्स रोड। कब से खिदमत कर रहे हैं? ये हमारा नाना ससुर अज्जाबास हाशिमी जो मदीना होटल के पार्टनर थे, फ्रॉम 1952 से ये हलीम जो है शुरू करे और मीर उस्मान अली पाशा को भी खिलाए, और वही फार्मूला हमारे कने है। इस वक्त जो है 25 साल से हम ये एरिया में दे रहे, नंबर वन पे आए हैं, और ये हमारा हलीम जो है सिटी में नंबर वन है। और ये प्योर गोट मीट, ईरान ज़ाफरान, असली घी, और जो है पूरा मार्केट में तीन वैरायटी और गोश्त रहता, जिसमें हम नंबर वन गोट यूज़ करते, गोट मीट है। और मसाले है जैसा इलायची, शाजीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, माश की दाल, तुवर की दाल, चने की दाल, असली घी, ईरान ज़ाफरान, ये पूरा आइटम जो यूज़ करते। और हमारे को मालूम है कितना माल में कितना कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम माल डालना पड़ता। कस्टमर्स कहाँ कहाँ से आते हैं? ये हमारे गने बहुत दूर से आ रहे हैं, ये साल तो हम काफी नाम कमाए, और मारठ पल्ली है, बहुत दूर दूर से 20-20 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, ट्रैफिक से उठ के आ रहे लोग। जी, क्योंकि आपकी जैसा हमने कहा कि इस वक्त आपकी नंबर वन हलीम इस वक्त रैंक लाई है, तो ये सब सिलसिला मतलब शुरुआत से कैसा हुआ, इसके पीछे कितनी मेहनत आप लोग करे हैं वो चीज लाने की? ये देखिए, हमारा नाना ससुर अजमी हमारा थर्ड जनरेशन है, इट्स फ्रॉम 1952, जैसा मैं आपको पहले बताया है, ये तो यही फार्मूला हमारे से होते हुए आ रहा, यही फार्मूला हमारे कने है। तो इसका जो है बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसा हली बनाने, मगर बना नहीं सक रहे उन लोग, कोई भी नहीं बना सक रही फार्मूला सिर्फ आप ही अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमारे कने हैदराबाद की एक चीज बहुत फेमस है, बिरयानी का जब नाम आता है कि बिरयानी के बाद हलीम का आता है, दही बड़े, रमजान में कौन बड़े दही बड़े बोल के भी आता है, लेकिन हलीम का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया, लोगों को बहुत खास ख्वाहिश हो गई कि अच्छी जगह की हलीम खाए। जी जी, ये हमारे कने हलीम जो है एक्चुअली क्या है, हलीम में जो माल मसाला यूज होता तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक बार अगर आप इफ्तार में खा लिए तो फिर सहर तक सहरी में कुछ खाने का जरूरत भी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये एक्चुअली देखा गया तो कोरोना पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत ताकत की चीज है। यस, हलीम आ गया, आपने सही कहा है, क्योंकि आजकल के मुआशरे को लेकर भी कोरोना वायरस कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, एहतियात भी बहुत ज्यादा बरत रहे हैं। एहतियात भी करना है, क्योंकि यहाँ हम पूरा गिराकू जो है मास्क लगाना, और पूरा हम जो है माइक में अनाउंस भी कर रहे हैं मास्क लगाइए बोल के, हमारे घर जितने भी स्टाफ है पूरे मास्क यूज कर रहे हैं, हमारे घर रजिस्टर मेंटेन होता, और हर एक को जो है टेम्परेचर चेक होता, हमारे घर मशीन है इधर, टेम्परेचर चेक होता, सबका नाम रजिस्टर में एंट्री है, सब चीज चेक होते हुए हम ड्यूटी पे चढ़ाते हैं उनको। उम्मीद करेंगे आने वाले दौर में भी आप हमेशा फर्स्ट रैंक लाते रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें आपको हलीम भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ की सेल कैसा हो रहा है, और साथ ही साथ कुछ कस्टमर से भी बात करते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कहाँ से कृष्णा? कोलकाता। यहाँ पर आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हलीम के लिए। ऐसी क्या खास बात है जो आप हलीम खाने यहाँ पर? सुना है बहुत अच्छा है हलीम यहाँ पर। अभी खाया हलीम? नहीं, ये पहली बार है। तो कैसे दिखे आपको, टेस्ट करा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। मतलब फिर से आने वाले? बहुत बार आने वाले। रहते कहाँ? हैदराबाद के? कहीं और? हैदराबाद में रहता हूँ। बहुत बार आने वाले है, तो रमजान के खास तौर से मौके पर हलीम खा के मजा आया? बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच कृष्णा, बात करेंगे, थैंक यू। तो यहाँ पर इस वक्त हम अंदर आए हैं डाइनिंग हॉल में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हलीम का लुत्फ़ उठा रहे हैं, पूछते हैं हलीम कैसी है, कैसी है भैया हलीम? अच्छा है। कहाँ से?
कहाँ के रहने वाले? सब टाइम लोकल। फर्स्ट टाइम खाए? डेली खाता। अच्छा है, बड़ी उसकी बात है यार, मतलब लोग यहाँ पर हलीम डेली खा रहे हैं और बड़ी टेस्टी हलीम है ये कह रहे हैं। इनसे ही पूछते हैं, आपका नाम क्या है? प्रताप है। कहाँ से आप? यही लोकल माचप टैंक। हलीम कैसी है और फर्स्ट टाइम खाया फिर खाते रहे? वीकली टू थ्री टाइम्स खाते रहते यहाँ पर ही। यहाँ पर मजे की फुल फुल एवरी ईयर आते हैं? फर्स्ट ईयर नहीं, एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर। जैसा आपने देखा कि एवरी ईयर यहाँ पर आते हैं, हर साल यहाँ पर आते हैं, हलीम का लुत्फ़ उठाते हैं। बहुत मज़े की हलीम है। अभी देखे तो मुझे भी खाना दिल बोल रहा है, मैं भी ज़रूर खाऊंगा और आपको बताऊंगा इसका टेस्ट है कैसा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? वालेकुम सलाम, मेरा नाम जमील है। मैं सब कहाँ से? मैं मासाब टैंक पे रहता हूँ। हलीम कैसी है यहाँ की? हलीम मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की सब में बेस्ट हलीम है। और अली भाई जो ओनर है ना यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव हैं और कस्टमर को बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से डील करते हैं और काफ़ी अच्छी हलीम बना रहे हैं। और इससे अच्छी हलीम मैं नहीं समझता कि हैदराबाद में कहीं मिलती है। कब से खा रहे हैं हलीम यहाँ के? मैं यहाँ की हलीम ऑलमोस्ट 10 साल से खा रहा हूँ। हर अल्टरनेट डे आके लेता हूँ मैं यहाँ पे। मतलब कैसा भी हलीम आना ही आना है घर में? आना ही आना है घर में। रमज़ान से पहले भी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग आके लेते हैं। हम लोग इंतजार करते हैं कब खोलते हैं 555 की हलीम। कितनी पसंद आई आपको? या नहीं, बहुत अच्छी हलीम है एंड आई कैन से दैट दिस इज द बेस्ट इन हैदराबाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ हुसैन। कहाँ से अल्ताफ भाई? मैं भी शाली बंडे से आया हूँ भाई। शाली बंडे से यहाँ पर क्या करने आया भाई? हलीम लेने आया हूँ भाई। ऐसी क्या तुम्हें खास बात है? माशाल्लाह देखो आप, मैं ये 5 साल से खा रहा हूँ हलीम। क्योंकि मैं पहले यहाँ पे खान लतीफ़ा में जॉब करता था, जब वहाँ पे ऑफिस में आईटी कंपनी में करता था, तो जब यहाँ पे आके खाते थे हम लोग। सो जब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सलीम खा रहा हूँ बोल सकते हैं आप। 5 साल से यहाँ पर ही? और कहीं भी? कहीं भी नहीं, कभी शागोस, मगर ज़्यादा मैक्सिमम तो यहीं आके खाता हूँ मैं। वो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। गोश्त और समझो जो घी रहता और जो क्वालिटी है, इन माई ओपिनियन इज द बेस्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर है भाई। कहाँ से समीर? मैं याकूतपुरे से आया हूँ। हलीम कैसी है? हलीम तो फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ यहाँ से, इससे पहले पिस्ता उसके लिए बेहतर थी। अब यहाँ का टेस्ट के लिए आया हूँ। कहाँ रहते, कहाँ पर आप? याकूतपुरा चार मीनार। समझ में आ रहा है कि आप खाने पीने के बड़े शौकीन। जी खाने पीने के तो शौकीन है, हैदराबाद में रहेंगे तो खाने पीने के शौकीन ही रहेंगे ना। हैदराबाद में अगर है, हैदराबाद या तो है, खाने पीने के मामले में नंबर वन आगे है। टेस्ट सुनते ही बोलते भाई क्या चीज़ अच्छी है, तो पहली बार ले रहे हैं? मैं 2 दिन पहले भी आया था, रात में 12 बजे आया था, मगर बनो हदीम ख़त्म हो गई थी जी, तो फिर आज लेने आया था। चलिए खाइए आप मज़े लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अब्दुल मनान है। कहाँ से मनान भाई? मैं बी एस मख्ते से हूँ। हलीम के बारे में कुछ कहे, कैसे हलीम है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, इसे तीसरी मरतबा है मेरा लग जाने का अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को तो बहुत पसंद आई है। कब से खा रहे हैं? मैं 12 साल से खा रहा हूँ। 12 साल से यहाँ की हलीम? 12 ईयर से यहाँ पर आके हलीम ले रहे हैं? यहाँ से ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी फैमिली खानदान में भी पूरे मशहूर है? मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खा रहा हूँ ऑलरेडी, आगे लेके जाता हूँ एवरी ईयर। पार्सल भी लेके? पार्सल ही लेके जाता हूँ, खैर के तो नहीं खाया मैं अब तक यहाँ पर, पार्सल लेके जाके खाता हूँ। क्या बात, चलिए ठीक है, मज़े उड़ा है, बहुत शुक्रिया आपने बात किया, थैंक यू। अपनी पेट चलो सर। वेंकट राव। वेरी फ्रॉम? हाँ मणिकोंडा। जस्ट टेल अबाउट द टेस्ट ऑफ हलीम। एक्सलेंट। हाउ लॉन्ग यू टेकिंग फ्रॉम हियर? लास्ट 5 ईयर्स। तुम कंपलसरी? Compulsory. Every day or alternate? Not every day. Every year minimum 10 times in Ranjan time. Only your family also? Family. Your family? 10 times above every Ranjan time. That's really good. Thank you so much for talking. Thank you. क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा है। कहाँ से आप? सिकंदराबाद। हलीम खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं? मैं ना बचपन से खाती हूँ, बचपन से। हाँ तो रमजान हर साल खाऊंगी मैं, तो कंपलसरी है मेरा तो, और सर्वी से स्टार्ट करूंगी, पैराडाइज को एंड करूंगी। रमजान? हाँ एवरी वीक पक्का। पर आप हलीम लेने गए सर्वे की, कैसी हलीम है ये, टेस्ट कैसा? यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा हलीम का टेस्ट, और टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहेगा, घी का टेक्सचर सब बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, तो मेरे को यहाँ पे बहुत पसंद है। हाँ मैं यहाँ पे सिकंदराबाद से बस पार्सल लेने को आई हूँ, अभी खाई भी हूँ और पार्सल भी लेके जा रही हूँ। खाने वाले पार्सल भी रेडी है सिकंदराबाद से यहाँ पे? हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बात करने के। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शिवा है। कहाँ से शिवा? मैं इधर सादाबाद से। हलीम खाने आए, हलीम लेने आए, क्या करने? हलीम लेने को आए थे। कितनी पसंद है हलीम यहाँ? बहुत टेस्ट है हलीम, बहुत टेस्टी। कब से ले रहे हो? रेगुलर ये साल को आते थे, रमजान स्टार्ट हुआ साल को आते थे। कंपलसरी आते हो? हाँ कंपलसरी। आप भी खाते हैं, फिर आपकी फैमिली फ्रेंड्स वो भी खाते हैं? नहीं फैमिली भी, फैमिली को लेके जाते हैं।
पार्सल पार्सल लेके जाते। अभी कहाँ से आया? सैदाबाद। सैदाबाद सैदाबाद से यहाँ पर आए हैं हलीम खाने के लिए। ये सोचने वाली बात है, तो इतनी मजे की हलीम दिखती है यहाँ पर। वो टेस्ट भी रहता। टेस्ट, इट्स ऑल अबाउट टेस्ट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच शिवा बात करने के लिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है। कहाँ से हैदर भाई? आपकी सर्वे होटल जो है ये एक तो बिरयानी में बड़ी फेमस है। जी बिल्कुल। फिर साथ ही साथ जब भी रमज़ान का जब महीना आता है तो हलीम में काफ़ी फेमस है, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। क्या ख़ास बात है आपके हलीम में? हमारे हलीम की मेन ख़ास बात यह है कि ये हमारी खुद के घर की रेसिपी है पहले तो, और हमारे जो सो शेफ्स ट्रेंड है। बेसिकली ये जो हलीम है ये हमारे शेफ्स के हाथ की हलीम नहीं है, हमारे घर के हाथ की हलीम है बेसिकली। और हमारी जो कंसिस्टेंसी है क्वालिटी में, उसके खातिर लोग दूर दूर से आके हमारे पास खाते हैं। आप अगर 10 साल पहले हमारे पास खाए और आज खाए तो टेस्ट में फ़र्क नहीं देखेंगे आप। सेम वही टेस्ट मिलेंगे। और आप आने वाले 10 साल के बाद भी अगर खाएंगे तो आपको यही टेस्ट मिलेगा, आपको कोई डिफरेंस 19-20 का भी नहीं मिलेगा आपको। तो वो एक वजह है जो कस्टमर हमारे पास भरोसा करके वापस आता है। एक चीज़ जो होती है, लोग अक्सर, पहले तो आपकी होटल माशाल्लाह साफ़ सुथरे में नंबर वन है, नीटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ऐसा दौर चल रहा है, कोरोना का जो दौर आ गया है, इसमें और भी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस कर दिया? इसमें क्या करेंगे, अब जितना हो सकता लोगों को बोल के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन रखे हैं, यहाँ पे मास्क पहनो बोल रहे लोगों को, अब हमारे वेटर्स को भी सबको मास्क पहना रहे, ग्लव्स पहना रहे, कैप्स पहना रहे, उससे ज़्यादा क्या करें, अब जितना हो सकता कर रहे। अब लोग को भी समझा रहे हैं हम कि भाई ज़रा सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखे, अपनी खुद की सेफ्टी देखना है अपने को। तो अब देखिए, अब ऐसा इस बात ये भी है आपके होटल की कि सेलिब्रिटीज़ भी आपके पास आके खाए हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक बार कोई आके, आदित्य राव हैदरी आए हैं, महेश बाबू आए हैं, और ऐसे बहुत आए, तेलुगु के तो तापसी आए हैं, बहुत बहुत सारे आए हैं। खासतौर से आपकी होटल को बहुत पसंद करते हैं, आपके टेस्ट बहुत बड़ा पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो क्वालिटी और क्वांटिटी रखते हैं और जो हाइजीन मेंटेन करते हैं तो लोग हमारे पे भरोसा करके वापस आते हैं हमारे पास। कितने साल से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप लोग? ऑलमोस्ट 33 ईयर्स हो चुके हैं। 33 ईयर्स यही स्पॉट, यही जगह। और भी आपके ब्रांचेस वगैरह? हमारे एक ब्रांच जो है सो फैदाबाद पे, एक माधापुर पे है, और एक जो है सो अभी नई लिए हम लोग मासब टैंक पे ऑपोजिट डाइनल, जो वहाँ पे भी एक नई सर्विस खुली है। तो बिरयानी के साथ साथ और जितने भी आइटम होते हैं ये भी आपके घर पे रेसिपी की होती है, ये भी एक आपका एक अलग यूनिक चीज़ होती है? नहीं, ये जो भी है, देखिए अब जो मार्केट में आपको जो चीज़ मिलेंगे हमारे पास भी वो आइटम मिलेंगे, मगर हमारे पास एक टेस्ट में थोड़ी तब्दील दिखेगी, थोड़ा उसकी क्वालिटी बेटर देते हैं हम। जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो ऐसा मीडियम रेंज नहीं खरीदते हम जो हर चीज़ अच्छी खरीदते ताकि टेस्ट अच्छा है, ताकि कस्टमर हमारे पास वापस आए। एक बार कस्टमर खा के चले गया तो फ़ायदा नहीं हो, वापस आया तो ही हमारा फ़ायदा है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक बार कोई खा के गया हमारे पास से तो इंशाल्लाह वापस ज़रूर आएगा। तुम्हें ये बताया कि जब भी रमज़ान के महीने से पहले हलीम सेल होती है, फिर रमज़ान के बाद, रमज़ान पहले रोज़े से आप लोग सेल ना शुरू? हम लोग जो है रमज़ान से 15 दिन पहले हलीम शुरू कर दिए, क्योंकि गए 100 साल ड्यू टू लॉकडाउन हलीम नहीं थी, लोगों को हलीम नहीं मिली, अब लोग बहुत वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो लोगों के रिक्वेस्ट करने पर बोलने पर हम 15 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बात किया हमसे, हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में भी ये सिलसिला ऐसे चलता रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सो मच, थैंक यू। अभी जो आप सभी से मुखातिब थे वो थे सर्वी होटल के ओनर। जी हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, बहुत सालों से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। टेस्ट की अगर बात रही तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर भी हर किसी का एक एक ब्रांड हो गया है, और जो ब्रांड जिसको पसंद आता है इंसान वहाँ पर ही आगे खाता है। तो यहाँ पर हलीम के मामलात में, खाने पीने के मामलात में कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ के जो जितने कस्टमर्स हैं वो भी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, हलीम का लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू लास्ट टाइम जो लॉकडाउन था बड़ी परेशानी हुई थी, इसलिए ये लोग भी 15 दिन पहले ही हलीम सेल करना शुरू कर दिए। आखिर रमज़ान तक ये सिलसिला चलता रहेगा।